नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खास खबर है सरायमीर आजमगढ़ से। खबर आपको विस्तार से बता दें, आजमगढ़ सरायमीर थाना क्षेत्र के कोलपुर कुशवाहा ग्राम सभा फरीदपुर 10 वर्ष बच्चा को नदी में नहाने के लिए गया था। नदी में बच्चा डूब गया जिससे मौके पर मृत्यु हो गई, जिसका नाम लकी पुत्र राजू है। कुंवर नदी में बच्चे के डूब जाने से घर में हाहाकार मचा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन थाना सरायमीर ने शव को बरामद कर लिया है। यह खास रिपोर्ट थी आजमगढ़ से सरिता प्रजापति की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है भाई? राजू। राजू, बच्चे क्या नाम है? लक्की। कैसे क्या हुआ, कैसे बच्चा कैसे डूब गया? एक घूम रहा था और उसके बाद मतलब 10-10:30 बजे तक घर पे था। हाँ। उसके बाद खेलते खेलते कब निकल गया वो हमें पता नहीं। जब हम ढूंढने लगे तो उसके बाद कितने बजे ढूंढने लगे, कितने बजे घटना है? 10:30 बजे। तो हमारे सलामी थाना को किसने बताया? हमारे पुलिस वाले चौहान भी बेचारे मौजूद है कभी से। ये कितने बजे घटना है? थाना कब हमारा पहुँचा सलामी? ये मतलब पहुँचे होंगे 11-12 बजे लगभग। तब से खोज रहे हैं? उसके पहले से हम खोज रहे थे, पहले खोजे हैं ढूंढे हैं। जब वो नहीं मतलब कुछ है तो हमने कहा थाने वाले मतलब पुलिस को फोन कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद मतलब जाल वो पता नहीं क्या होता है। हाँ, उससे था लग जाएगा जी, इसीलिए मतलब फोन किया। कितनी उम्र का था? 10 साल का। अच्छा, गाँव बता दीजिए फिर। थे आपने गाँव नहीं बताया, कौन सा गाँव? कोलपुर कुशाहा थाना सरायमीर। अच्छा, कितने साल का था? 10 साल। लकी है? लकी। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका।